आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम एडवोकेट आरवी सिंह है और मैं ओरिजिनली उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट आगरा से हूँ, फिलहाल देहरादून में सेटल हूँ। आरवी सिंह जी, आप साहब काशीराम जी के साथ में काम करते थे पूना के अंदर, कैसा आपको महसूस होता था और क्या आपको संभावनाएं उस समय दिखी? जिस समय साहब ने बामसेब शुरू की थी उस समय सारी की सारी जो संभावनाएं थी वो 1985 में हमको पूरा रूरल होना था इस देश में, जो साहब बोलते थे। अब जितने हम आज तक नहीं हुए हैं उतना ही पीछे जा रहे हैं। ये रूरल क्यों नहीं हो पाए 1985 में? ये इसलिए नहीं हो पाए कि बाद में लोग को ज़्यादा समझदार हो गए, ज़्यादा समझदार होने से उन्होंने अपनी अपनी संस्थाएं बनाना शुरू कर दिया। तो क्या इसकी संभावना या इसका पहले से आपको नहीं पता था कि जो लोग ज़्यादा समझदार होकर अलग अलग संगठन बना लेंगे उनका कोई इंतजाम किया जाए? उस समय इंतजाम की इतनी ज़रूरत उन्होंने महसूस नहीं की, लेकिन आज के समय में ज़रूर मानता हूँ कि आज इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। तो अभी जो आप लोग एक प्रयास कर रहे हैं, जो आपके पास में 250-300 लोग जो आपने पूरे इंडिया में जो साहब काशीराम जी के साथ काम करने वाले पुराने लोग थे और जो ट्रस्ट वर्दी लोग थे उनके साथ में जो आप ये प्रयास कर रहे हैं कि एक संगठन और एक नीति एक उद्देश्य के तहत में आपको काम करना है ताकि रिजल्ट आए, उसके बारे में आप कितने प्रयासरत या संभावित हैं कि वो कामयाब होगा? एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं कि एकता में बल है, ये हर कोई जानता है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो हमारे इंटेलेक्चुअल और जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लेके चल रहे हैं शायद वो दूसरों को तो बताते हैं कि यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी से ही सब कुछ होगा, लेकिन वो खुद में उसके लिए तैयार नहीं है। जब कोई आदमी संगठन बना रहा है चला रहा है उसके पास पैसा भी आता है, वो पैसे का हिसाब नहीं देता और लोगों को गुमराह भी करता है और ऐसा भी भड़काता है कि आप किसी और अंबेडकरवादी संगठन में मत नहीं जाना, इसका क्या तोड़ है आपके पास? हमारे पास इसका तोड़ अभी जो बन रहा है वो ये है कि हम पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि जितने भी ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो सब अपने आप में स्वार्थी हैं, उनके अंदर सच्चाई और ईमानदारी की भावना की बेहद कमी है। इसीलिए हम पब्लिक को चाहते हैं कि इनकी सच्चाई और ईमानदारी कितनी है और कितनी बेईमानी है ये बताएं। वो नेता तो सब आपके विरुद्ध हो जाएंगे जिनके आप जो संगठन है या जो उनकी धंधा है, जो धंधा पानी है उसको आप लोगों को जागरूक करके खत्म करेंगे, फिर अच्छे काम के लिए अगर विरुद्ध हो जाएंगे तो हमें खुशी है। आपको गालियां भी पड़ सकती हैं? हम उसके लिए तैयार हैं। आप अगर लोगों को ये कहेंगे कि जो संगठन आपका काम पूरा नहीं करता या जिसको आप पैसे देते हैं या सपोर्ट देते हैं उसको बंद कर दें तो नेता आपको घोषित नहीं कर देंगे कि आप गलत काम करते हैं या अच्छा करते हैं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे? नहीं, वो नेताओं का काम वो अपना करेंगे लेकिन हम अपना काम और मजबूती से करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जो पुराने लोगों की मीटिंग में आप गए थे नागपुर और मुंबई में, वहाँ क्या संदेश मिला आपको, क्या उम्मीद लगी? लोग परेशान हैं, जैसे आज हम लोग आप लोग बात कर रहे हैं इसी तरीके से लोग इतने परेशान हैं कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा जिस तरह से लोग चला रहे हैं। क्या लोग आपकी निगाह में ये एक होना चाहते हैं सब? एक्चुअली लोगों की ज़रूरत यही है और लोग भी सब ये चाहते हैं, लेकिन उनके जो महत्वाकांक्षा हैं वो उनको एक आने से रोक रही है। आप जो 8 नवंबर को दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग सभा कर रहे हैं सारे जो छोटे मोटे बड़े संगठन हैं उनकी, ताकि वो एक हो जाए, अगर वो असफल हो जाएगी तो फिर आप लोगों को उम्मीद कैसे देंगे? मुझे 90% उम्मीद है कि वो सफल होगी, क्योंकि जो लोग उससे नाखुश होंगे वो एक आध ही होगा, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी बहुत ही स्वार्थी किस्म का इंसान होगा वो, अगर वो बामसेफ का या कोई और संगठन बाबा साहब के संगठन का है तो। इसीलिए मुझे उम्मीद है पूरी कि ये लोग सोचेंगे और हम लोग जिस तरह से जो चाहते हैं उस तरफ ध्यान देंगे। संगठनों में जिन लोगों का धंधा पानी बंद हो जाएगा एक होने के बाद में, वो लोग तो कभी नहीं चाहेंगे कि संगठन एक हो जाए सारे और उनका धंधा पानी बंद हो जाए? मैं आपको क्लियर बता दूं, जो मुझे आभास हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो ये मीटिंग होगी उसमें 90% जो संस्थाएं होंगी वो इकट्ठी होंगी, वो आपकी बात से सहमत होंगी, और 10% अगर कोई गुंजाइश ऐसी बन रही है जिसकी मुझे उम्मीद कम है तो उसका डेफिनेटली बहिष्कार होगा और वो देश में फिर उसके लिए कोई जगह बचेगी नहीं। अभी कुछ लोग ऐसे हैं भारत में जो साहब काशीराम के पटन पे काम करने वाले हों या ऐसी इच्छा रखते हों कि काम बिल्कुल सही होना चाहिए? बहुत लोग हैं लेकिन उनको कोई जानता नहीं। सच्चे और ईमानदार लोग हमेशा सफल होते हैं, बाबा साहब भी सच्चे ईमानदार थे, काशीराम जी भी सच्चे ईमानदार थे, और सच्चे ईमानदार लोगों की जो पहल अभी हो रही है ये डेफिनेटली सफल होगी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तो 8 तारीख को उम्मीद रखें कि कोई सच्चे ईमानदार लोग कोई सफलता का मंत्र लेके आएंगे? मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए, कुछ कहना चाहेंगे कुछ भारतीय जनता से? बस यही कहना चाह रहा हूँ कि अब समय आ गया है
अब इन स्वार्थी तत्वों से थोड़ा सजग रहने की ज़रूरत है, इनको बताने की ज़रूरत है, इनके पीछे लगने की ज़रूरत नहीं है, इनको समझाने की ज़रूरत है कि आपके अब करने से काम नहीं होगा। अब भारत के लोग, हम लोग जागरूक होने जा रहे हैं और ईमानदारी और सच्चाई को अपनाना चाह रहे हैं। अगर वो भी अपनाते हैं तो अम्बेडकर साहब का काम कर रहे हैं, अदरवाइज वो अपना काम करेंगे, ये हम लोगों को बताना चाह रहे हैं। क्या आपके लोग नेता बनने की लाइन में आ गए क्या? जी, आज हमारे 99% में, आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ कि हमारे जो अम्बेडकरवादी लोग हैं 99% नेता बनने की चाह में, या वो अपने आप को एक फेम एंड नेम किसी भी तरीके से प्रस्थापित करने के उसमें होड़ में हैं, कंपटीटर हैं कि हमारा कैसा नाम होगा, हमको कौन जानेगा, हम उससे बड़े हो जाएंगे, हम उसको नीचा दिखाएंगे, इससे मतलब काम होना फेसबुक के डीटर हैं सारे। जी जी, फेस वैल्यू उनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काम इम्पोर्टेंट नहीं है, और हमारा जो सच्चा काम है वो काम है, फेस की चिंता नहीं है। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि आप अपने काम में सफल हो, आपकी टीम सफल हो, अच्छे लोग पहली बार सारे निकल के बाहर आए हैं। आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।